जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे बाजरे की खिचड़ी। उसके लिए हमने ये एक कटोरी बाजरा लिया है, लगभग 1.5 मेजरिंग कप जो होता है वो है, और 1/4 कप हमने मूंग की दाल ली है, और उससे आधी हमने चने की दाल ली है। चना दाल हमने थोड़ी देर पहले भिगो दिया ये सब काम करने से पहले। और घी हमने 1 टेबल स्पून लिया है, 1.5 छोटा चम्मच हमने नमक लिया है, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं नमक। और ये हम सबसे पहले इस बाजरे को मिक्सी के जार में डाल के इसके ऊपर का छिलक उतारेंगे। ये हमने बिल्कुल सूखा बाजरा लिया है जो कि हमने साफ कर लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे ऊपर से, बस सारे के ऊपर ऐसे डाल देंगे। और इसको मिक्सी के पुश बटन से चला के लगभग 30 से 40 सेकंड तक हम चलाएंगे पुश बटन से, तो इसका ये सारा ऊपर का जो छिलक होता है वो उतर जाएगा। ये छिलक उतरेगा तभी खिचड़ी टेस्टी बनेगी। ऐसे हम पुश बटन से ऐसे पुश करेंगे। ये हमने बाजरे को मिक्सी में 40 सेकंड तक पुश किया है। शायद पहले मैंने गलती से 40 मिनट बोल दिया था, हमने इसको सिर्फ 40 सेकंड तक पुश बटन से पुश किया है। तो देखो इसका सारा ऊपर का ये छिलक उतर गया है। अब हम इसको ऐसे फटकार के सारा आगे छिलक निकल जाएगा इसका, हम ऐसे करके ये सारा छिलक निकाल देंगे। ये देखिए इसमें से हमने फटकार फटकार के इतना सारा ऊपर से इसका छिलक उतार दिया है, और ये हमारा सफ़ेद सफ़ेद बाजरा निकल आया है बिल्कुल। अब हम इसको दोबारा से इस मिक्सी के जार में डालेंगे और सिर्फ 15 सेकंड के लिए इसको चलाएंगे, हम दरदरा कूट लेंगे। हमने इस बाजरे को सिर्फ 15 की काउंटिंग तक ही चलाया है मिक्सी में, हमने 15 काउंट किए और मिक्सी में चलाया। ये दरदरा हो गया है, हमारा बाजरा कूट गया है, कुछ दाने पिस गए हैं और कुछ साबुत है। अब हम इसको कुकर में रखेंगे बनने के लिए। उससे पहले हम इसको कुकर में डालेंगे। सबसे पहले इस खिचड़ी को हम कुकर में डाल देंगे, और हमने 4 गुना पानी ले लिया है, जितना हमारा बाजरा था उससे 4 गुना पानी ले लिया है। दाल हमने भिगो दी है, इसके ऊपर थोड़े थोड़े छिलक से और रह गए हैं अभी, जो कि हमारे फटकारने से हमसे नहीं निकले, उसको हम छलनी से निकाल लेंगे अभी। ये देखिए सारे छलनी में ऐसे ऊपर आ जाएंगे, इससे खिचड़ी और भी अधिक अच्छी बनेगी, नहीं तो ये थोड़े से फूस फूस से दांतों के नीचे आ सकते हैं। ये हमने सारे ऊपर से निकाल दिए हैं फूस फूस, इतने सारे फूस और निकले जो हमारे फटकार लगाने से रह गए थे निकलने से। अब हम इस कुकर में मूंग की दाल डाल देंगे, धो रखी है हमने। चने की दाल डाल देंगे जो कि हमने पहले से भिगो रखी है, और कुकर को गैस पे रख के रख देंगे। कुकर को हमने गैस पे रख दिया है, हम इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें घी डाल देंगे। जब तक ये बाजरे की खिचड़ी में उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे। गर्म होने पे हम घी डाल के कुकर बंद कर, ये हमारी खिचड़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। आप चाहे तो घी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी में तो जितना ज़्यादा घी खाओ उतना ही अच्छा लगता है। हमने अभी 1 टेबल स्पून घी डाला है, और अब हम इसको स्लो गैस पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे खिचड़ी बन गई है या नहीं। 10 मिनट हो गए हैं, हम गैस बंद कर देंगे और कुकर की सीटी से भाप निकलने का इंतज़ार करेंगे। कुकर की भाप निकल गई है, ठंडा हो गया है कुकर। हम अब इसको खोल कर खिचड़ी को चेक करेंगे। ये हमारी खिचड़ी बन गई है, कुकर को ठंडा होने में भी 10-12 मिनट लग गए हैं। अब हम इसमें से चने की दाल को देखेंगे, अगर ये नरम हो गई है। हाँ, चने की दाल हमारी बिल्कुल नरम हो गई है, बाजरा भी बिल्कुल नरम हो गया है। ये हमारी खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, बड़ी अच्छी सी, इसमें से बड़ी अच्छी बाजरे की खुशबू आ रही है। अब हम इसको परोसेंगे। खिचड़ी को हम इस बाउल में डाल लेंगे।
ये हमारी बाजरे की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। इसे हमने दही, टीट का अचार, पापड़ और घी के साथ सर्व किया है। खाने से पहले इसमें जितना घी डालना चाहें डाल सकते हैं। आपके पास मक्खन है तो इसमें आप मक्खन की एक टिक्की भी डाल सकते हैं, एक दो जितनी भी आप चाहें मक्खन डाल सकते हैं या घी। अगर बाजरे की खिचड़ी की वीडियो और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर डालिएगा आपको खिचड़ी कैसी लगी। धन्यवाद।